हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग अच्छा ही होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। आज मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, बिटर बीन का सलाद। नोटिस मणिपुरी लैंग्वेज से उसको योंगसक बोलते हैं और त्रिपुरा कोकबुरक से उसको वाकरे बोलते हैं, तो हम वाकरे मुस्लिम भी बोलता है। तो उसके लिए हमने ले लिया सामान, प्याज, आलू, फर्मेंटेड फिश और हरा मिर्च। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए, मैं अपनी वाकरे सलाद कैसे बनाती हूँ। फ्रेंड, आलू का छिलका को छील लेती हूँ पहले। फ्रेंड, मेरे डॉगी को देखो, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जहाँ भी मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर चला ही आता है, अकेला कभी भी घर में नहीं रहता। इधर देखो, हाय बोलो, हाय बोलो, विष्णु का हाय बोलो। प्याज का छिलका को भी छील लेते पहले। आलू को बॉईल करने के लिए चूल्हा जला लेती हूँ अभी मैं। पहले आलू बॉईल कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने बॉईल करने के लिए हांडी रख दिया। नमक डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे। आलू बॉईल हो गया, मैं निकाल लेती हूँ। बिटर बीन स्किन को छीलने के लिए मैंने एक तरकीब यूज़ किया है, वो तरकीब है ये। ये तरकीब का नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। हरा मिर्च और प्याज एक साथ ही धो लिया मैंने। तवा को चूल्हे पे रख दिया मैंने। हरी मिर्च को ड्राई फ्राई कर लेंगे। ग्रीन चिली ड्राई फ्राई हो गया, मैं निकाल लेती हूँ। फिर से मैं तवा चूल्हे पर रख देंगे। अभी फर्मेंटेड फिश को ड्राई फ्राई कर लेंगे। फर्मेंटेड फिश को मैंने ड्राई फ्राई किया था, अभी हो गया, मैं निकाल लेती हूँ।
प्याज को पहले काट लेंगे छोटे छोटे करके। बटर बीन को छोटे छोटे लंबे लंबे करके काट लेंगे। हरा मिर्च को अभी पेच करेंगे, नमक डाल देंगे। अभी प्याज को हल्के हल्के से पेच कर लेंगे। अभी फर्मेंटेड ड्राई फिश को भी उसके साथ पेस्ट कर लेंगे। बिटर बीन को भी हल्के हल्के से पेस्ट कर लेंगे। बॉयल किया हुआ आलू को भी इसके साथ पेस्ट कर लेंगे। और हमें अपने हाथों से ऐसे करके दे देंगे। पेसने में थोड़ा इजी हो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस रेडी हो गया मेरे बिटर बीन सलाद। फिर मैं अपने खाने से पहले बकरी को थोड़ा खाना दे देती हूँ। मैं अभी अभी बकरी को खाना देकर आई हूँ, मैं भी खा लेती हूँ।
दोस्तों बिटर बीन बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बहुत अच्छी बना आज मेरा सलाद। आप लोग बनाकर खाकर देखिए और मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जतनों धन्यवाद।